मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बेटा, खाने को घर में कुछ भी नहीं है, शहर में दंगा हो गया, कर्फ्यू लगा हुआ है। जब सुबह बाजार खुलेगा तब मैं तुझे आटा लाकर रोटी बनाकर दे दूंगी। रानी माँ, मुझे वो मैंने कहा ना, मैंने कहा ना तुझे, समझ मेरी बात, मुझे रोटी चाहिए। ठीक है, ले रोटी। बस रोटी, मैं नहीं खाऊंगा। रोटी नहीं खाएगा? अरे मैं सिर्फ नाम की रानी हूँ, सचमुच की नहीं। तेरा बाप कोई मरने से पहले करोड़ों की संपत्ति नहीं छोड़ के गया है जो मैं तुझे 56 भोग खिलाऊं। छोड़ गया है तो सिर्फ ये मकान और तेरा सौतेला भाई रुद्रा। हे भगवान, ये भी अब दूध के बिना चुप नहीं रहेगी। इतनी रात को दूध कहाँ से मिलेगा? दंगों की वजह से सारा बाजार भी बंद है। तू एक काम कर, तू इसका ध्यान रख, मैं बाहर जाके देखती हूँ, शायद कहीं दूध मिल जाए। चुप हो जा। देखो रानी माँ अभी गई है ना दूध लाने, अभी आती ही होगी। बहन, थोड़ा दूध मिलेगा? सब बाजार बंद था, दूध हमारे पास भी है नहीं, कुछ नहीं। अब दूध कहाँ मिलेगा? अब तक आई क्यों नहीं रानी माँ? चुप हो जा राहुल, तो उसका ध्यान रख। हाँ। मैं अभी रानी माँ को बुला के लाता हूँ। हाँ। क्या तुमने मेरी रानी माँ को देखा? क्या माल है, शराब भी है, कबाब भी है, और ये खूबसूरत शबाब भी है। मौका भी अच्छा है। अच्छा, हम कर देंगे और शिकार दंगों का बता देंगे। तुझे मालूम नहीं, सारे शहर में कर्फ्यू लगा है, दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने का आदेश है। नहीं साहब, मैं तो मेरे बच्चे के लिए दूध लेने आई थी, सामने ही मेरा घर है, मैं दंगाई नहीं हूँ। अच्छा, तो तू दंगाई नहीं है तो फिर धंधे वाली है, तभी तो सारी धंधा करने निकली है। नहीं नहीं साहब, देखो ये दूध की बोतल, मैं तो अपने बच्चे के लिए दूध लेने आई हूँ। ये दूध की बोतल मुझे मत दिखाई, मुझे तो तेरा ये होश नहीं। लगता है साहब खुद आज राउंड पर है। भाग गई साली, मूड खराब करके रख दिया। चलो लगता है साला मूड के साथ साथ गाड़ी भी खराब हो रही है। ठीक कह रहे हो, तुम्हें भी लोग दंगे का शिकार समझेंगे। Oh, hey, 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 hey
की फितरत में हो गया था। दो घड़ी शांति से घर में नहीं बैठ सकता। बाहर ये धमाके की आवाज कैसी थी? जब पेट्रोल को आग दिखाएगा तो धमाका तो होगा ही। ये सब कहां से लेकर आया? दुकान का ताला तोड़ के। क्यों? इन दोनों की भूख मिटाना जरूरी था। कल कोई नया काम ढूंढ लूंगा। मुझे काम मिलेगा? मुर्गा छिल लेगा? हाँ। एक मुर्गे का 1 रुपए मिलेगा। अच्छा, तो लग जा काम पे। ठीक है। सत्रह, 18, 19, 20, ठीक है? हाँ। कल काम पर आ जाना। ठीक है। चले हट दे, चले आपका निकाल, चल लाओ, आपका लाओ, पैसे निकाल, ला पैसा, ये हत्या का माल है। पैसा ला, चल। क्या बदतमीजी है? हमें तमीज सिखाती है, चला। क्या कर रहे हो? हम तो इस माल की जबरदस्ती वसूली करते हैं। ऊपर वाले ने तुझे दे दिया, आज तेरे से ही जबरदस्ती करके वसूल करेंगे। कमीने, शर्म नहीं आती? माँ बहनों की इज्जत लूटे पर तुला है। तूने आंतिया को भरे बाजार में थप्पड़ मारकर बेइज्जत किया। अब अगर मैंने तेरी इन लोगों के सामने इज्जत ना उतारी तो मेरा नाम आंतिया नहीं। ठहरो, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। तुम लोगों को भी द्रौपदी का चीरहरण सामने देखना पड़ेगा। छोड़ दे, शेर के मुंह से मांस छीना, शेर की भूख मिटानी पड़ेगी।
चल, चल मार देना ही पड़ेगा। कोई नहीं बचाएगा तुझे, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। तू चाहे जितने जुल्म कर लेता जिंदा रहता, लेकिन तूने रुद्रा की रानी माँ की इज्जत पे हाथ डाला है। अब तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। रानी बहन, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, हमेशा हमेशा के लिए शहर ही छोड़कर जा रही हूँ, वरना ना जाने अंता के भाई लोग कब इन मासूम बच्चों पर अपना गुस्सा उतार दे। तो रानी बहन, तूने ये ठीक ही सोचा। ये भूखे अजगर ना जाने कब तेरे परिवार को निगल ले। पर रुद्रा का क्या होगा, जिसने तेरे परिवार के लिए सब कुछ किया? कौन सा सगा था, था तो सौतेला ही ना। मैं आज भी उससे उतनी ही नफरत करती हूँ जितनी पहले करती थी। जब भी रुद्रा आए तब उसे ये चाबी दे देना। मुल्ज़िम पर एक आदमी को भरे बाजार में दिन दहाड़े जिंदा जला देने का आरोप साबित होता है, लेकिन मुल्ज़िम की छोटी उम्र के मद्देनजर इसे 10 साल की सजा सुनाई जाती है। जाओ पेट्रोल ले आओ। अडप हमारे देश का कानून नाबालिग बच्चों को नरमाई से सजा देता है, लेकिन मैं तुझे कड़ी सजा दूंगा क्योंकि तुझे पेट्रोल से खेलने का बहुत शौक है। तूने मुझ पर पेट्रोल थूका, बहुत चर्बी है तुझे, है? अभी निकालता हूं तेरी चर्बी। मार, बहुत चर्बी है, मार, बहुत चर्बी है, मार ले, मार, 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 मार ले जितना मारना है तुझे, मगर एक बार तेरा चेहरा खोल कर दिखा दे। अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार अपना चेहरा खोल कर दिखा दे। अभी बताता हूँ तुझे कि एक बाप की औलाद हूँ कि नहीं। ले, ले चल इसको डाल दे अंदर। एक बात समझ में नहीं आई सेवाराम, इसको मारने के लिए मुझे दूसरी जेल से बुलाया गया और वो भी कपड़े से मुंह ढककर टॉर्चर करने के लिए कहा गया, ऐसा क्यों? वो क्या है कि आज तक इसका रिकॉर्ड रहा है कि जिस अधिकारी ने इसको टॉर्चर किया उसे
इसने छोड़ा नहीं। अच्छा? इसलिए हम लफड़े में नहीं पड़ते, इसलिए ही दूसरी जेल से बुलवाते हैं। हाँ, मुंह इसलिए ढकवाया कि आपकी सेफ्टी रहे। अच्छा? हाँ। पर मैंने तो आज इसको इतनी मार मारी है कि इसको इसकी नानी याद आ गई होगी। मार तो ऐसे खाता है जैसे हलवा खाता हो। छोड़ दो, वरना सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। छोड़ दो। मार जेलर मार, देखता क्या है? जब से तेरी नौकरी लगी है तेरी ये रिवॉल्वर कमर पर छल्ले की तरह लटकी है। मैं तुझे मौका देता हूँ, मार मार। काश मैं ऐसा कर सकता मैं, लेकिन मैं तेरी तरह वैशी नहीं हूं। मैं कानून के दायरे में रहता हूं और कानून का पालन करता हूं। इसे 2-3 दिन तक ना तो खाना देना और ना ही पानी की एक बूंद होश ठिकाने आ जाएंगे। उसको तो नानी याद आई या ना आई, आपको तो नानी याद आ गई। चुप कर। क्या है सर? ट्रांसफर ऑर्डर्स। वैसे भी मेरा समय पूरा हो गया था, फिर नई जेल, नए कैदी। सर आपने तो जेल बहुत सी देखी है, पर इस जेल में क्या खास देखा? ठीक पूछा तुमने। मेरे 25 साल की सर्विस में मैंने रुद्रा जैसा कैदी नहीं देखा। बेखौफ, सरफिरा, बददिमाग। यूं तो दुनिया में हजारों अपराधी हैं जो अपराध मजबूरी के तहत करते हैं, लेकिन रुद्रा इनमें सबसे अलग है, क्योंकि उसे अपराध करने में मजा आता है। मैं तो यूं कहूंगा कि अपराध पर रिसर्च करने वालों को रुद्रा को ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसे अपराध करने में मजा क्यों आता है। उसके अंदर एक ज्वालामुखी दहक रहा है जो फटेगा तो पूरे समाज को अपने लपेटे में ले लेगा, और वो दिन बहुत 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 खतरनाक होगा। चोर की दायरी में तिनका। मैं अपने स्टाइल का कड़क जेलर हूँ। मुझे लोग नक्षत्र सिंह कहते हैं। मैं जब भी किसी नई जेल में जाता हूँ तो वहाँ के कैदी मुझे देखकर डरते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, हमें अगले जन्म में कैदी ना बनाना। अगर कैदी बनाते हो तो नक्षत्र की जेल में नहीं। ये रुद्रा कौन है? आप रुद्रा खुंखार, हम भी कड़क हैं। मुझे कोई भी शिकायत नहीं चाहिए, मैं बहुत कड़क हूँ। अगर कानून तोड़ा ना, अगर कानून तोड़ा, मुझे तोड़ दिया। देखिए, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पट्टी कर दी है, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या था, ठीक हो जाएगा? मेरे फैमिली पंडित जी ने पहले ही कहा था, नक्षत्र सिंह आज तेरा नक्षत्र सही नहीं है, वो दोनों राव केतु से घिरे हुए हैं। मैंने क्यों आज ड्यूटी ज्वाइन किया, वैसे भी आज सोमवती अमावस्या है। ये तो डाकू है, ये गब्बर सिंह है, ये तो माधव सिंह है, ये तो मलखान सिंह है, और ये तो डाकू मोहर सिंह है। सर, रुद्रा की सजा पूरी होने में भी 12 दिन बाकी है। तो मेरा भी 12वां हो जाएगा। भिकमंगो, तुम लोग क्या मेरे 12वें का कुछ खाना चाहते हो? नहीं 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 नहीं, या तो रुद्रा रहेगा या तो मैं रहूंगा। नहीं 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 नहीं, रुद्रा तो रहेगा ही, मैं तो अपने घर चला जाऊंगा, अपने गाँव चला जाऊंगा, मैं तो अपने लखनऊ चला जाऊंगा।
मुझे। मांग सोनी सजा दो तेरी, आजा दुल्हन बना लूं मेरी, तो ही दिल की धड़कन है, दिल में तेरी तड़पन है, धड़कन है दिल में तेरी, तड़पन है, आजा सजनी बाहों में अरमा पूरे होने दे। कुक कोयल बोले दे, छम छम पायल बाजे रे, आजा पिया जल्दी से रिम झिम सावन भर से रे। कुक कोयल बोले दे, क्या बात है भैया, शालू की बहुत याद सता रही है। मुझे मालूम, जो लोग इस दुनिया से एक बार चले जाते हैं वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आते, पर उनकी याद तो हमेशा साथ रहती है ना। हाँ भैया, आप शालू की याद को दिल से मिटा सको इसीलिए तो रानी माँ के ना चाहते हुए भी हमें शहर में वापस लौट आए हैं, जिसे हमने 15 साल पहले ही छोड़ दिया था। तू चिंता मत कर, अब छोड़ इन सब बातों को, आज रक्षाबंधन है, मुझे जल्दी से राखी बांध दे। काश आज बड़े भैया हमारे साथ होते तो मैं उन्हें भी इस तरह उनकी कलाई पर राखी बांधती। मैं उन्हें ढूंढू और अगले साल हम दोनों भाई मिलकर तुझसे राखी बंधाएंगे। अच्छा, तो इस बात पर ये लो मुंह मीठा करो। ये लो। कुछ बदल गया है, लंबे अरसे के बाद आज बाहर निकला हूं। सबसे पहले अपनी रानी माँ से मिलूंगा। मेरा भाई राहुल और मेरी छोटी बहन काफी बड़े हो गए होंगे, बहुत खुश होंगे मुझे देख के। वो देख क्या रहे हो, जेल से पूरे 15 साल के बाद छूटे हो, पूरा शहर ही बदल चुका है। शहर बदला है मगर गलियां नहीं बदली, और ये जेल तुम्हारे लिए होगी, जिसने बचपन से जवानी तक का सफर यहाँ गुजारा हो उसके लिए जेल नहीं घर होता है। ये कमाडी बाग का एरिया है और हम बंसी हटेले का आदमी है। तुमने मेरे पैसे छीने ना, मेरे पैसे देख लेगा तुझे, देख लेगा। अपन आता हूँ अभी, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। पगली माँ, तू तो बूढ़ी हो गई है। मैं रुद्रा, रुद्रा, रुद्रा। बचपन में तू मुझे लड्डू खिलाया करती थी, याद आया?
मैं वो छोटा रुद्रा, वो हाँ छोटा, हाँ 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 याद आया ना, देख 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 मैं आ गया, तू चिंता मत करना, ले ले रख ले, हाँ मैं आ गया ना, अब चिंता मत करना तू, हाँ यही मेरा मकान है। बेटा तू रुद्रा है जिसने अंतंग उंडे को जिंदा जला दिया था। मगर मेरी रानी माँ और मेरा भाई, मेरी बहन। बेटा तेरी रानी माँ तो उसी दिन ये शहर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई, और ये घर की चाबी मुझे सौंप कर गई कि रुद्रा है तो मैं चाबी तेरे को दे दूँ। लेकिन पिछले 5 साल से इसने घर की चाबी भी माँ से छीन लिए और घर पर भी कब्जा कर लिया। भाई यही वो आदमी है जिसने मुझसे पंगा लिया और मेरे पैसे छीन लिए। जितने आराम से कब्जा किया है उतने ही प्यार से खाली कर दे। कौन है बे तू, कौन है तू? इस बस्ती का मसीहा है तू, हाँ जो इस बस्ती को खाली कराने चला है। तेरे जैसे कहीं आए ये बस्ती खाली कराने के लिए, मकान खाली कराने के लिए। चल फट। मैं बोला फट। अबे फट। चल फट फट फट। मसीहा के मसीहा हो तुम, हट। ले जाओ इसे और फिर कभी इस बस्ती में दिखाई मत देना, समझे? ए चलो निकलो, बुढ़ाओ इधर आ। चल चल। सारी भीड़ को तो भगा दिया, ये बात समझ में आई, लेकिन इस बुड्ढे को अंदर क्यों ले गया ये बात समझ में नहीं आई। तेरा पाप छोड़ गया है तो सिर्फ ये मकान और तेरा सौतेला भाई रुद्रा, और तेरा सौतेला भाई रुद्रा, और तेरा सौतेला भाई रुद्रा। काप क्यों रहे हो? लो व्हिस्की की बोतल लेके आओ। अच्छा जी। हाँ मुझे भी जाना है, कल तू मुझे अपनी बायोलॉजी की नोट्स दे देगा। लगता है भगवान ने सचमुच तुम्हें फुर्सत में बनाया है। क्या वाह, खूबसूरती के साथ साथ आवाज भी कोयल जैसी मधुर है। ये क्या बदतमीजी है, तमीज से पेश आओ वरना प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी, समझे? ये क्या हो रहा है, जाइए अपनी क्लास में, जाइए। गुड यू क्लास। आखिर कब तक बचेगी, हम भी इसी कॉलेज में और ये भी इसी कॉलेज में। स्टूडेंट्स आज हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक सौंदर्य क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और औरत के सौंदर्य में फर्क क्या है मैडम? प्राकृतिक सौंदर्य तो सभी को नजर आता है क्योंकि प्रकृति कुछ भी नहीं छुपाती, लेकिन औरत का सौंदर्य। मैडम
औरत का सौंदर्य किस श्रेणी में आता है बताइए ना। तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे घिनौने और बेहुदा सवाल पूछते हुए? और तुम्हें क्या लगता है मैडम ऐसे सवालों के जवाब दे देगी? मैडम न सही, आप ही इसका उत्तर क्यों नहीं दे देती? मैं आप लोगों को बताती हूँ कि औरत की सौंदर्य की विशेषताएं क्या होती है। औरत के सौंदर्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अपने ही शरीर से दूसरे शरीर को जन्म देती है। दूसरी विशेषता ये होती है कि वो 9 महीने यानी कि 270 दिन मतलब 7,396 घंटे बच्चे को अपने पेट में रखती है, और जब तक बच्चे का विकास नहीं हो जाता तब तक एक एक पल हजार तकलीफें सहती है। तीसरी विशेषता ये है कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस बच्चे को अपना दूध नहीं दूध के रूप में अपना खून पिलाती है। चौथी विशेषता ये है कि जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसके शरीर की गंदगी को अपना श्रृंगार समझती है, और जब जब यही बच्चा बड़ा होकर पाप करता है अनाचार करता है तो औरत के रूप में यही माँ भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान मेरे बच्चे के सारे पाप मुझे दे दो और मेरे पुण्य मेरे बच्चे को दे दो। ये होती है औरत की सौंदर्य की विशेषताएं, समझे? वेल डन हर्षिता। आइंदा अगर बदतमीजी की तो कॉलेज से छुट्टी करवा दूंगी। ओके बाय। ओके सी यू। बाय। तुम मुझे कल फोन करना। ओके बाय। अच्छा बाय। तेरा नाम हर्षिता है ना? अब तेरी जिंदगी में फिर कभी हर्ष नहीं होगा। भैया मुझे बचाओ। अबे ये क्या बचाएगा तुझे? ए, हट, निकल इधर से। अरे भागो। तो तेरा नाम हर्षिता है? जी मेरा नाम हर्षिता है और मैं नेहरू पब्लिक कॉलेज में पढ़ती हूँ, पर लगता है विक्की और उनके दोस्तों की वजह से मुझे कल से कॉलेज छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं, तुमने मुझे भाई कहा है ना, इसलिए कल से कॉलेज तुम नहीं, कल से कॉलेज वो लोग छोड़ेंगे। धन्यवाद भैया। एक ब्रेड का पैकेट देना भाई। अरे भाई क्या कर रहे हो, पैसे तो दे दो। अरे ये क्या चाकू दिखा रहे हो? अरे अरे बगली माँ बैठ 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 ना बगली माँ, तुझे मालूम है आज मुझे हर्षिता मिली थी, उसने मुझे भैया भी कहा, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी बहन का नाम भी हर्षिता ही था, मगर वो चली गई। बहनों को तो एक ना एक दिन जाना ही होता है, माँ को नहीं जाना चाहिए। रानी माँ मुझसे रुठ कर क्यों चली गई? पगली माँ मालूम है, जिनके माँ बाप रुठ जाते हैं उनसे पूरे कायनात ही नहीं बल्कि भगवान भी रुठ जाते हैं। मैं अनाथ हूँ, मगर मैं अनाथ नहीं, तू है ना मेरी माँ, मेरी सुंदर सी माँ। तूने हमेशा मुझे प्यार दिया, लड्डू खिलाया था ना मुझे, ले ले मैं आज तुझे बिस्कुट खिलाता हूँ, खा ले खा खा मेरी सुंदर सी माँ, खा 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 मेरी सुंदर सी माँ। Mm-hmm.
अबे ओ कबूतर, जब वो नहा रहा था तो वो हैंड पंप टूट गया। इतनी भीड़ खड़ी थी तो उसमें से कोई हंसा? तू हंसा इसलिए तू फंसा। अबे रोता रहे साले कबूतर। चल छोड़ दे इसे। अरे विक्की भाई, यही है वो आदमी जिसने कल इसे बचा लिया था। पर इसे आज कौन बचाएगा? आखिर आप हंसाना विक्की राणावत के झुंड में। झुंड में तो भेड़ बकरियां रहा करती है। शेर जहां होता है अकेला होता है। बहना, अब तुझे कॉलेज छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, आज बहुत घबराई हुई लग रही हो। हाँ माँ, जानती हो आज क्या हुआ? आज कॉलेज में विक्की और उसके कुछ दोस्त मुझे जबरदस्ती उठा कर ले जा रहे थे। फिर अचानक एक फरिश्ता आया और उसने मुझे उनसे लड़कर बचा लिया। माँ ये विक्की कौन है? विक्की माँ, विक्की मंत्री पलकधारी का बेटा है। हे भगवान, बरसों पहले इसी कारण शहर छोड़कर जाना पड़ा था। लगता है वापस शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। तू चिंता मत कर रानी माँ, मैं हूँ ना, और तू ध्यान से मेरी बात सुन। जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तब तक तू कॉलेज नहीं जाएगी। तू समझ गई ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है भैया। तू घबरा मत रानी माँ, मैं हूँ ना। मंत्री जी, सुना है आपके लड़के ने किसी लड़की को उठाने की कोशिश की? ये झूठ है, मेरा बेटा एक शरीफ और इज्जतदार लड़का है। इस घटना को आप एक मंत्री की हैसियत से देखते हैं या एक बाप की हैसियत से? एक मंत्री एक बाप भी हो सकता है, समझ गए? नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। प्रेस वाले भी बाल की खाल निकाल देते। डॉक्टर, हमारा बेटा विक्की कैसा है? डोंट वरी, घबराइए मत, विक्की बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। अब उसे आराम की सख्त जरूरत है। ये सब हुआ कैसे? वो रुद्र नाम के किसी गुंडे ने विक्की को चाकू मार दिया। साले कमीनो, बियर साथ में पीते हो? हाँ, मजे भी साथ में लेते हो, और चाकू सिर्फ मेरे बेटे को लगती है। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आउट। सुवर कहीं के। आप कहें तो मदन चिकना को कह के रुद्रा को ठिकाने लगवा दूं? नहीं बाबूराव, नहीं, मदन चिकना हमारा आदमी है, ये सब जानते हैं। अब चुनाव भी सर पर है, ऐसे मौके पर एक आदमी हमारे काम आ सकता है, और वो है असलम भुट्टो। Thank you.
और बेला पढ़ाई कैसे चली बेटा? भाई जी इस बार मैं क्लास में फिर से फर्स्ट आया हूँ। शाबाश शाबाश। लो बेटा सुनिए इसको भी भेजिए स्कूल। हाँ चलो। नमस्ते भाई। आदाब। कैसा चल रहा तुम्हारे भाई का इलाज? हाँ ठीक चल रहा है। हाँ ठीक है ना, ये पैसे रखो और जो भी एक्सरे करवाना है करवा लेना। हाँ भाई ठीक। कैसी है इनकी तबीयत? ठीक है भाई। ठीक है। हाँ हाँ ये रखो। नमस्कार। भगवान भला करे बेटा। हाँ भाई ये पैसे। एक काम कर, ये जो पैसे बचे हैं ना इन्हें यतीम खाने में पहुंचा दे। ठीक है भाई। भाई जी मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। लगा फोन उसे। लीजिए भाई जी। हेलो। कहिए पलकधारी जी, आज हमारे याद कैसे आ गई? अरे असलम मियां, मुसीबत में ही दोस्तों को याद किया जाता है। अरे आप बैठ के राजनीति कीजिए और आपकी मुसीबतें हमें दे दीजिए। हमें तुमसे यही उम्मीद थी असलम मियां, यही उम्मीद थी। वो क्या है ना, तुम्हारे भतीजे विक्की को किसी रुद्रा नाम के नए बदमाश ने चाकू घोंप दिया है। ये क्या कह रहे हैं? ना चिंता करने की कोई बात नहीं, विक्की तो ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उस रुद्रा नाम के बदमाश की सेहत ठीक रहे। ठीक है? बिल्कुल बेफिक्र है पलकधारी, उस रुद्रा की मुद्रा मैं बिगाड़ दूंगा। ठीक है। ए गंगू। हाँ भाजी। जा पता लगा ये रुद्रा कौन है। ठीक है। और ठिकाने लगा साले को। हाँ चलो रे। कौन सा मकान है रुद्रा का? वो है सामने। कहाँ है वो? वो घर पर नहीं है। चलो सामान फेंक दो साले का। फेंको सब बाहर। जल्दी करो। अरे अरे रुद्रा का कोई हिमायती सुन रहा है तो उससे कह देना असलम भाई ने कहा है आज रात तक ये शहर और बस्ती छोड़कर चला जाए, वरना कल का सूरज उसकी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। चलो रे। ये असलम भाई कहीं वही तो नहीं जिसके जुए और दारू के अड्डे चलते हैं? हाँ वही असलम भाई जो शरीफों में शरीफ और बदमाशों में बदमाश है। रुद्रा को दूध से नहाने का बड़ा शौक है, असलम भाई खून से नहलाएगा। हाँ रुद्रा भाई, असलम भाई के लोग आए थे तुम्हें मारने के लिए, वो पूरे शहर में गिद्ध की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। असलम? हाँ। क्या हुआ खुशीराम? असलम बुट्टा। हाँ अरे रुद्रा भाई, अरे मेरी मोटरसाइकिल। अरे तो बुद्धू, तुझे नई मोटरसाइकिल लेके उसके घर के आगे रुकने के लिए किसने कहा था? अबे आप जा ढूंढ अपनी मोटरसाइकिल, मैं तो कहता हूं कोई खटारा साइकिल ले आप। ए, ये असलम भुट्टो का बियर बार किधर है? अरे जाना क्यों बाजी खराब कर रहा है? ए, अरे वो तीसरी गली में है ना उसका बियर बार। Thank you.
क्या है तेरा? शर्मिली। शर्मिली, नाम शर्मिली और काम बेशर्मी का। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने जिस्म की इस तरह नुमाइश करते हुए? मैं ये काम अपने शौक से नहीं करती। मेरे शराबी पिता ने अपनी शराब पीने के लिए असलम भाई से रुपए उधार लिए। पैसे तो वो चुका नहीं सके, इसलिए हर रोज नहीं चाहते हुए भी अपने इस जिस्म की नुमाइश करके किश्त चुकाती हूँ। अगर ये सच है तो जा, आज से तू आजाद है, क्योंकि आज के बाद ना तो ये बार रहेगा और ना ही असलम भुट्टा। इससे पहले कि ये चिंगारी बारूद तक पहुंचे, सभी लोग यहां से निकल जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अरे चलो यहां से निकलो, जल्दी करो। अरे अरे भागो यार, चलो भाई चलो। अरे अरे चलो, अरे ये पूरे बाहर को जला देगा, चलो यहां से। अरे चलो, अरे जल्दी करो, देख क्या रहे हो, चलो जल्दी। अरे अरे निकलो, अरे आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। अरे सारा मरा चिड़चिड़ा हो गया यार, क्या ये कहां से आ गया, कौन है पता नहीं, चलो जल्दी। अरे हम मरेगा जल्दी, चल। मुझे पता लगा है कि आप अपनी बहू को दहेज के लिए बहुत तंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना आप? हाँ भाई जी। हाँ। रुद्रा ने जो अपना बियर बार था वो उड़ा दिया। ये क्या कर रहे, उसकी इतनी हिम्मत? हमारा बियर बार उड़ा दिया? रुद्रा ने हमारा बियर बार नहीं उड़ाया, बल्कि शेर की मान में हाथ डाला है, और जब सोया हुआ शेर जाग जाए तो जंगल के बाकी के जानवर तुम दबा के भाग जाते हैं। असलम भुट्टो बाहर निकल। ज्यादा मत चिल्ला वरना गला बैठ जाएगा। माने बे तू? रुद्रा। रुद्रा, अच्छा तो तू है रुद्रा। तू अपने आप को शेर समझता है ना, आज तुझे पता लगेगा कि शेर कौन है। आजा। बरसों बाद कोई ऐसा मर्द तो नजर आया जिसने हमें ललकारने की जुर्रत की है। हमारा एक उसूल है कि जो भी हमारे दरवाजे पे आता है वो कुछ ना कुछ जरूर लेके जाता है। तेरी तमन्ना भी जरूर पूरी करें। मेरी तमन्ना है तेरी मौत। मारो! करो, रुको। असल में परवरदिगार की कि कोई हमारे बीच में आया था। हेलो। हाँ मंत्री जी बोलिए। हाँ हाँ, इलेक्शन की तैयारियां शुरू होने वाली है। अरे भाई सरकार हम पर टिकी हुई है, इस बार भी हम जीत जाएंगे, आपको टिकट जरूर मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। रखते हैं मंत्री जी।
असलम भुट्टो रुद्रा के हाथों मारा गया। क्या ये कैसे हो सकता है? हाँ मंत्री जी, रुद्रा ने असलम भाई के मोहल्ले में घुसकर असलम भाई को मारा है। लेकिन लेकिन असलम भाई तो ऐसे इलाके में रहते जहां उनके हजारों लोग हैं, फिर ये रुद्रा उन्हें जाकर अकेला कैसे मार सकता है? असलम भाई ने लड़ाई के बीच में अपने आदमियों को आने से मना कर दिया था। क्या जरूरत थी असलम भाई को हीरो बनने की? हाँ, खुद तो मारे गए लेकिन साथ में हमारा बनाया हुआ सारा प्लान चौपट कर दिया। अब कौन कैप्चर करेगा भूत को? खैर, असलम भाई तो मारे गए लेकिन हमें इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए उनके आदमी हमारे साथ चाहिए। मुझे पक्की खबर मिली है कि विक्की बाबू का झगड़ा हर्षिता नाम की लड़की की वजह से हुआ था। रुद्रा लड़की की तरफ से आया था और सुना है रमाकांत इस मामले में इंटरेस्ट लेकर मामले को उछालना चाहता है। तुम उस लड़के के घर वालों को जानते हो? उसका एक भाई अस्पताल में डॉक्टर है और उसकी एक विधवा माँ है। हमें उसके घर वालों को जाकर अभी और इसी वक्त समझाना होगा कि वो अपनी लड़की का नाम मेरे लड़के के साथ नहीं घसीटे और उस रुद्रा के बच्चे को रोके, वरना वो रमाकांत साहे इस पूरे मुद्दे को लेकर हमें एक तिनके की तरह उड़ा देगा। आ गई बेटी? क्या बात है, बड़ी उदास लग रही हो आज तुम। हाँ माँ, वो विक्की के पापा है ना, उनका खास आदमी असलम भुट्टो मारा गया। अच्छा, और जानते हो किसने मारा है? किसने? रुद्रा ने। माँ, ये वही रुद्रा है जिसने मुझे विक्की के हाथों से बचाया था। हाँ? वो जो पुरानी बस्ती में रहता है। नमस्कार, हमारा नाम पलक धारी है, मंत्री है हम। लेकिन आज आपके घर हम एक मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक बाप की हैसियत से आए हैं। विक्की हमारा ही बेटा है। ओ, तो तुम्हारा इनाम हर्षिता है, अच्छी दिखती हो, खानदानी भी लगती हो। हम लोग भी खानदानी हैं। देखिए, हम लोग राजनीति संभालते हैं और हमारे ऑपोजिशन वाले छोटे से मुद्दे को लेकर हमारे खानदान की धज्जियां उड़ा देते हैं और हम ये हरगिज नहीं चाहते। देखिए, हमारे बेटे ने जो बदतमीजी तुम्हारी बेटी के साथ की है उसके लिए हम माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दीजिए। वो तुम्हारा कोई हमदर्द बना घूम रहा है आजकल, क्या नाम है उसका, रुद्रा, उसे समझा दीजिए कि वो हमारे बीच में ना आए, क्योंकि अगर उसने हमारी कुर्सी हिलाने की कोशिश की तो हम उसके साथ साथ तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा कर रख देंगे। समझ गए? नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए, हमें भी हमारी इज्जत का पूरा ख्याल है। वो कौन है मैं नहीं जानती, फिर भी मैं उसके पास जाकर उसे समझाऊंगी। अच्छा है। अच्छा है, समझाएगा उसे कि वो बात को समझ जाए, उसे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। वाकई तुम खूबसूरत लड़की हो, जिस घर में जाओगी उस घर को आबाद कर दोगी। नमस्कार। मैंने जेल में तुम्हारी बहुत राह देखी, हर दिन हर पल 15 साल मैंने तुम्हारे आने के इंतजार में गुजारे। बचपन से जवानी आ गई मगर तुम नहीं आई रानी माँ। मैं आज भी तुमसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ बल्कि ये कहने के लिए आई हूँ कि तू हर्षिता के मामले से दूर रहे। हर्षिता? क्या वो मेरी बहन है? और राहुल?
राहुल डॉक्टर है इसी शहर में, लेकिन उन सबका तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, याद रहे। मगर क्यों? क्या तू नहीं चाहता हर्षिता को अच्छा घर मिले और राहुल की जिंदगी में खुशियाँ आए? अरे मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया की हर खुशी उनके दामन में भर दूँ। हम लोग इस समाज के शरीफ लोग हैं और शरीफ लोगों की बहन बेटियाँ ही खानदानी घरों में ब्याही जाती हैं, गुंडे मवाले होनियों की नहीं। तुमने हमारे लिए बहुत त्याग किया है, आज आखिरी त्याग और कर दो कि आज के बाद तुम हर्षिता और राहुल को नहीं बताओगे कि तुम उनके भाई हो। मगर क्यों? बस समझ लेना, आज के बाद तुम हमारे लिए मर चुके हो और हम तुम्हारे लिए। तुम सुना, तुमने एक माँ अपने बेटे से कह रही है तू हमारे लिए मर चुका है, क्या कसूर है मेरा, किस बात की सजा दे रहे हैं मुझे? मैं अपने भाई को भाई नहीं कह सकता, अपनी बहन को बहन नहीं कह सकता। सौतेला सौतेला बेटा, अरे सौतेले होते हैं माँ बाप और ये समाज। कुछ मत बोलो, मैं तो तुम्हें मुझे उस नर से निकालने के लिए शुक्रिया कहने आई थी, और सच पूछो तो मैं तो तुम्हें उसी दिन से चाहने लगी थी। समझते होंगे ये दुनिया के लोग तुम्हें सबसे बड़ा गुंडा, पर यकीन मानो तुम जैसा शरीफ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है। प्यार तो मैं तुमसे कर बैठी हूँ, और अब दिल करता है कि मैं तुम्हारी पूजा करूँ और हमेशा साथ रहूँ। I miss you, शालू। मुझे आज भी याद है तुम्हारा वो बीमारी का बहाना बना के मुझे घर बुलाना। हाँ सुजू, हाँ सुजू, हाउस हाउस करे सोलवे साल में,
अपने सलोने लगी देखने हुई दीवानी, प्यार मोहब्बत की बातें अब लगी सुहानी। शिकायत करूं क्यों ठंडी आहें भरूं, अब किस शिकायत करूं क्यों ठंडी आहें भरूं। मैं तो उलझ गई रे अपने सवाल में, दिल हाउस पर सौवे साल में, दिल हाउस पर सौवे साल में, तेरी एक नजर में हंसने लगूं कभी डरूं, तेरी एक नजर में मरूं कभी हंसने लगूं कभी डरूं। मैं तो उड़ती चिड़िया फंस गई किस जाल में, दिल हाउस पर सौवे साल में, दिल हाउस पर सौवे साल में, हाउस पिला, ठंडा पिला। ए भाई पैसे रुद्रा से पैसे मांगता है? अरे ए अरे क्या दादागिरी से पैसे मांगता है ये क्या? अरे क्या दादागिरी है? ले, ले, ये क्या दादागिरी है? व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, तुमने बहुत दादागिरी मचा रखी है शहर में, मैं तुझे गिरफ्तार करने के लिए हड़ताल करूंगा, धरना दूंगा। तूने व्यापारी को बहुत परेशान कर रखा है रुद्रा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बंद करो दुकान, चलो चलो धरना देने, चलो चलो। नमस्कार सर। सर रुद्रा नाम का एक गुंडा है जिसने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है, किसी भी दुकान को अपनी बाप की दुकान समझता है, विरोध करने पर मारपीट पर उतर आता है और वो जबरन दुकानों को लूट भी लेता है। साहब जब तक रुद्रा गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम में से कोई भी व्यापारी दुकान नहीं खोलेगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आप लोगों के साथ है। सर जब तक रुद्रा गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। नमस्कार। नमस्कार। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार को अंदर भेजो। व्यापार एकता रुद्र को, व्यापार एकता गुंडागिर्दी, व्यापार एकता रुद्र को। सर आराम से। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, रुद्रा ने पूरे शहर में आतंक मचा रखा है, इसके विरोध में सारे व्यापारियों ने हड़ताल और धरना कर रखा है, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, इसलिए ये केस मैं तुम्हें सौंपता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं किसी भी गुंडे को अपने शहर में अमन और शांति भंग नहीं करने दूंगा। 24 घंटे के अंदर अंदर
रुद्रा कानून की हिरासत में होगा। वेरी गुड, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है इंस्पेक्टर प्रवीण। थैंक यू सर। व्यापार एकता जिंदाबाद, रुद्रा मुर्दाबाद। 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 आप लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, रुद्रा जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। धरना बंद कीजिए और अपने अपने घर जाइए। अबे धरना तब रुकेगा जब रुद्रा गिरफ्तार होगा। व्यापार एकता रुद्रा मुर्दाबाद। व्यापार एकता जिंदाबाद, रुद्रा मुर्दाबाद। व्यापार एकता चलो चलो रुद्रा मुर्दाबाद। व्यापार एकता जिंदाबाद, 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 रुद्रा मुर्दाबाद। व्यापार एकता जिंदाबाद। अरे सब छोड़ के भाग गए। अरे भाई साहब, भाई साहब एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। भाई साहब मेरी जान बचा लीजिए। भाई साहब मेरी जान बचा। तुम पीछे से निकल जाओ। अच्छा अच्छा कोई आया तो नहीं इधर? कोई नहीं आया। इंस्पेक्टर प्रवीण, रुद्रा इस समय गोमती नगर के मकान नंबर 5 में है, जल्दी आ जाइए प्लीज। रंगीले लगते हैं। ऐश करो। तुम्हारी भाग दौड़ खत्म हुई रुद्रा। यू आर अंडर अरेस्ट। रुद्रा पुलिस की हिरासत में। शहर का बाजार 48 घंटे के बाद खुला। सारे शहर में आजकल रुद्रा की चर्चा है। वो बहुत फुर्तीला और बहुत चालाक है। वो उन्मादी है, बेखौफ है, निडर है। उसमें मार खाने की जबरदस्त ताकत है और दूसरे को मार गिराने का जबरदस्त जज्बा है। पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि 8 वर्ष की उम्र में उसने अंतिया नाम के गुंडे को बीच चौराहे पर जिंदा जला दिया था, जो गणपत काणा और टाइगर का भाई था। ये पेट्रोल है, इसे जो टकराएगा वो राख का ढेर है। सबसे बड़ी बात, वो पलकधारी का दुश्मन है। उसके खास आदमी असलम भुट्टो को खुद की बस्ती में अकेला अंदर घुसकर उसके सैकड़ों आदमी के सामने अकेले ही उसको मार गिराया। फिर रुद्रा की जगह सलाखों के साथ नहीं, रमाकांत सहाय के साथ है। मुझे किसी भी हालत में पलकधारी से पारी होना है। रुद्रा के हमारे पर्दे में आने का मतलब है पलकधारी का वजन हमारे सामने तिनके के समान होना और तिनका उड़ाने के लिए तूफान की नहीं एक फूंक की जरूरत होती है। रुद्रा को जल्द से जल्द जामिन देके छुड़ाओ। 3 दिन कोर्ट की छुट्टी है, कोर्ट खुलते ही रुद्रा जेल से आजाद। पहले उस कमीने ने मेरे बेटे विक्की पर वार किया, उसके बाद उस हरामजादे ने मेरे जिगरी दोस्त असलम भुट्टो को मार डाला। देख लेना, अब मैं उस दहाड़ने वाले शेर को सर्कस का शेर ना बना दिया तो मेरा नाम भी पलकधारी नहीं।
हेलो मंत्री जी, मैं डांगी। हाँ बोलो डांगी। रमाकांत 3 दिन बाद रुद्रा को जेल से छुड़वाकर अपने साथ मिलाकर आपके खिलाफ साजिश रचने वाला है। वो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। 8 वर्ष की उम्र में ही गणपत काना और टाइगर के भाई अंत्या को बीच बाजार में जिंदा जला दिया था। अच्छा अब आएगा खेल का मजा। रमाकांत, तूने शतरंज की चाल शुरू ही की थी, जबकि बाजी मैं जीत गया। मेरी गणपत काना से मीटिंग करवा जल्दी। जी। भाई मंत्री जी मिलने आए। शांति शांति शांति। नमस्कार गणपत। एक गुंडे के घर में मंत्री। गणपत, हमें खबर मिली कि आज तुम्हारे भाई की 16वीं बरसी है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि 16 साल बाद भी तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं समझा नहीं। रुद्रा नाम के गुंडे को जानते हो? मेरे भाई की आत्मा की शांति के लिए उसका क्या वास्ता? वास्ता है, बहुत गहरा वास्ता है। ये वही रुद्रा है जो आज से 16 साल पहले बीच चौराहे पर तुम्हारे भाई अंत्या को पेट्रोल छिड़क कर जला डाला था। क्या? हाँ गणपत, तुम्हारे भाई की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें कह रही कि उसके खून का बदला लो, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और अगर तुम सचमुच रुद्रा को मार डालोगे, उस वक्त तुम अपने भाई को श्रद्धांजलि दे पाओगे। समझ गए? सुना है आजकल रुद्रा भी उसी जेल में कैद है जहां पर तुम्हारा भाई टाइगर भी बंद है। भाऊ। हाँ भाई। टाइगर को जेल में यह खबर पहुंचा दो कि रुद्रा के इतने छोटे छोटे टुकड़े करें कि इस शहर के तमाम चील और कौओं को पोटी मिल जाए। नमस्कार गणपत, चलते हैं। टाइगर, गणपत भाई ने कहलवाया कि रुद्रा को जेल के अंदर ही ठिकाने लगा दो, क्योंकि रुद्रा ने ही अपने बचपन में तुम्हारे भाई अंत्या को जिंदा जलाया था। आज भी टाइगर दार रहा है। हाँ चाचा, आज जरूर किसी न किसी का शिकार करेगा। अबे मारता क्यों है गेंडे? यादगार, जिसको तूने भरे बाजार में जिंदा जलाया था, वो कोई नहीं, टाइगर का भाई अंत्या था। तू मरेगा, मरेगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अबे गेंडे, तू ऐसे नहीं मानेगा। हटो, किसने किया ये सब? लेके जाओ इसे। रुद्रा, तूने बरसों पहले मेरे बड़े भाई को मारा
और आज तूने मेरे टाइगर को घायल किया। अब मेरा जीने का एक ही मकसद है, वो है सिर्फ तेरी मौत। जिस दिन तू जेल से छूट के बाहर आएगा, समझना तेरा वो आखिरी दिन होगा रुद्रा। ये रहे रुद्रा के जमानत के कागजात। सेवाराम, रुद्रा को ले आओ। साइन करो। क्या जिसने आपकी जमानत दी है आप उससे मिलना चाहोगे? वैसे आज उनके जन्मदिन की पार्टी है और आपको खास मेहमान के तौर पे बुलाया है। चलो। दस गई मेरी खातिर जवानी।
जेल की रिहाई मुबारक हो, मुझे अपना दोस्त ही समझो। मगर दोस्तों के भी कुछ नाम होते हैं। रमाकांत सहाय राजनीतिज्ञ, इस समय सत्ता में नहीं इसलिए विपक्ष, लेकिन तुम्हारे पक्ष में। रुद्रा तुम्हें मालूम है तुम्हें जेल में टाइगर से मरवाने की कोशिश किसने की? अंतरी पलकधारी और गणपत काना का नाम मालूम है? तुमने किसी विकी नाम के युवक को कॉलेज में चाकू मारकर घायल किया था है? है? उसी का बाप है ये पलकधारी, उस दिन से तुम्हारा दुश्मन और मेरा भी। उसने मुझे हर खेल में हर चुनाव में शिकस्त दी है। जब मैं जीत के करीब आता था तो चुनाव में धनलेबाजी और बुद्ध कैप्चरिंग करके चुनाव जीत जाता था और मैं कुछ नहीं कर पाता। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं पलकधारी से मीलों आगे निकल जा सकता हूं। ले लो, जितना चाहे ले लो, सब तुम्हारा है। मेरा टारगेट सिर्फ सत्ता है और सत्ता प्राप्त करने के लिए मुझे हर खेल खेलना पड़ता है। विदेश में अपने देश में पहली खेप आएगी। सुना इसका बारूद बेमिसाल है, इसकी ओपनिंग किसी खास आदमी को मार के करनी है और इसका टेस्ट उसी से पूछना पड़ेगा। तो मैं ये समझो तुम हमारा साथ दोगे? तुमने रुद्रा की जमानत दी है, रुद्रा चुनाव में तुम्हारे दुश्मनों की जमानत जब्त कर देगा। ले लो ले लो। सचमुच शेर दिल है, मतलब की चीजें लेके गया, बाकी घात छोड़ गया। शाबाश। अब वक्त आ गया है रमाकांत सहाय के साथ खुलकर लड़ने का। मंत्री जी, फिर चुनाव का क्या होगा? अगर जिंदा रहूंगा तभी तो चुनाव लड़ पाऊंगा। लगता है ये कमीना रमाकांत सहाय मुझे शमशान घाट पहुंचा कर ही रहेगा और मेरे ही तहरे में आकर मेरी तस्वीर के सामने फूल फेंक कर जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। जब तक ये रुद्रा नाम का तूफान हमेशा के लिए खामोश नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद मैं रमाकांत साय की हड्डियों का सूरमा बनाकर सारे ऑपोजिशन वालों की आंखों में डाल दूंगा। यस पलकधारी, तुम इस तरह हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। गणपत काना को फोन लगाओ। हेलो मंत्री जी, फोन लग गया। गणपत, रुद्रा जेल से छूट चुका है। अच्छा? तुम उसे इस दुनिया से छुड़वा दो। ठीक है। वो बहुत खतरनाक आदमी है, अपने आदमियों को साथ ले जाना, बस वो जिंदा बचने ना पाए। रुद्रा अपनी जिंदगी जितना जीना चाहता था मंत्री, वो जी चुका। आज से समझो उसका जीने का बही खाता बंद। पेट पूजा हो जाए। Thank you.
भाई जी, परसों पहले मेरे बाप समान बड़े भाई का साया छीना था और फिर दोबारा तूने मेरे लाडले टाइगर को भी घायल कर दिया। अब तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। आज गणपत काका का हिसाब पूरा हुआ। चलो रुद्रा। सांस लीजिए। डॉक्टर राहुल, अभी अभी एक पेशेंट आया है जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। अगर ये ब्लड जल्द से जल्द उसे नहीं मिल पाया तो वो नहीं बच सकेगा। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मैं दूंगा। क्या आप देंगे ब्लड? हाँ मैं दूंगा। What do you mean? किसी भी इंसान की जिंदगी की कीमत किसी डॉक्टर के खून से सस्ती नहीं। चलो चल के तैयारी करें। हाँ। Come on, hurry up. शॉपिंग के लिए साथ चलने से मना किया तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी। तू चुप कर, वो कैसे मना करेगा, मैं तेरे साथ हूँ ना। डॉक्टर राहुल कहाँ है? डॉक्टर साहब अंदर है, किसी मरीज को अपना खून दे रहे हैं। अपना खून दे रहा है? जी हाँ। हॉस्पिटल में तो हजारों मरीज आते हैं, ये कैसा डॉक्टर है जो अपना खून दे रहा है? वो आप देख लीजिए। चल दे रहा है, क्या इसका कोई रिश्तेदार नहीं है? अरे भैया, ये तो वही है कॉलेज में जिन्होंने विकी से मेरी इज्जत बचाई थी। फिर तो इसने एक भाई का फर्ज अदा किया। चलो अच्छा ही हुआ, मेरा खून एक तरह से मेरे भाई के ही काम आ गया। अब इन्हें आराम करने देते हैं, हम लोग चलते हैं। ठीक है। हाँ मंत्री जी, गणपत काने की आंख एक जरूर है पर वो हमेशा अपनी तीसरी आंख से काम करता है। तुम्हारा बेटा आज रुद्रा के खौफ से भरी है क्योंकि रुद्रा अब इस दुनिया में नहीं है। मंत्री जी, तुम्हारा बेटा आजाद है। शाबाश गणपत। पापा जन्मदिन मुबारक हो बेटा। पापा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो, क्या मांगना चाहते हो? पापा मैं हर्षिता से शादी करना चाहता हूँ और उससे अपना बदला लेना चाहता हूँ। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, आखिर तुम भी राजनीति सीख गए। आओ आओ मेरे साथ। पलकधारी नमस्ते बहन जी। नमस्ते विकी, पैर छुएंगे? बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है और वैसे भी आज विकी का जन्मदिन है। जी हाँ, वो आपकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्या नाम बता उसका? हर्षिता। हाँ हर्षिता, हर्षिता कितना प्यारा नाम है। जितना प्यारा नाम है उतनी प्यारी लड़की है वो। लगता है घर पर है नहीं। शॉपिंग करने गई है। कहो कैसे आना हुआ? हाँ आपका गुस्सा जायज है, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत नाराज हैं। विकी हमारा एक लौता बेटा है, लेकिन गलती इसकी नहीं है, इसके दोस्तों की है जिसका अफसोस हमें बहुत है। हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। क्यों विकी बेटे? हाँ पापा। वो क्या है ना बहन जी, विकी को पहली नजर में हर्षिता से मोहब्बत हो गई है और वो उसे शादी करना चाहता है, अपनी गलती को सुधारना चाहता है। क्या? नहीं नहीं बहन जी, घबराइए मत, हमें दहेज नहीं चाहिए,
हम चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत हाथ जोड़कर करें बस। वो क्या है ना, विकी हमारी एक लौती औलाद है, हमारे बाद करोड़ों का अकेला वारिस होगा विकी। अगर ये हमसे कहता तो हम करोड़पति लड़कियों की लाइन लगा देते, लेकिन इसका दिल तो आपकी बेटी पर आ गया। और इसने अपने जन्मदिन पर आपकी बेटी का हाथ मांग लिया हमसे, तो हमने भी कहा ठीक है चलो तुम्हें तुम्हारा तोहफा खरीद देते। हाँ? आप लोग जा सकते हो, मुझे मेरी बेटी की शादी की कोई जल्दी नहीं है। हमें भी कोई जल्दी नहीं है बहन जी, शादी 15 दिन बाद हो जाएगी। मुझे एक पुराना किस्सा याद आ गया बहन जी, आज से कई साल पहले विकी ने हमसे अपने जन्मदिन पर एक गुड़िया मांगी, और जब हम वो गुड़िया खरीदने उस दुकान पर गए तो उस दुकान वाले ने कहा कि वो गुड़िया बिक चुकी है, और उस दिन से लेकर आज तक वो दुकान वाला मुझे कहीं जिंदा दिखाई नहीं दिया। 14 दिन आपके पास है, 15वां दिन हमारा होगा, हम इस घर से तुम्हारी कन्या को ले जाएंगे, दान पीछे से भेज दीजिएगा। नमस्कार। आप? हाँ, वो राहुल भैया से थोड़ा काम था। कैसी तबीयत है इनकी? ठीक है। ये है डॉक्टर राहुल, हर्षिता के भाई। इन्होंने ही तुम्हें अपना खून देकर तुम्हारी जान बचाई। भाई? नहीं, आप बिल्कुल नहीं लो, क्योंकि जख्म अभी काफी हरे हैं, ज्यादा हिलने से टांके टूट जाएंगे, इसलिए कम से कम आपको 1 हफ्ता आराम करने की सख्त जरूरत है। पिछले 3 दिन से यहाँ बैठी हुई, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। चलिए हम चलते हैं, इन्हें आराम करने दीजिए। चलो। हाँ। अच्छा भैया, बाय। मंत्री जी। हाँ, आओ बाबू राव, आओ। तुम और इस वक्त तुम हमेशा बुरी खबर लाते हो, कभी किसी के मरने की या फिर किसी के घायल होने की। इस बार बचने की खबर लाया हूं। अच्छा, तो जल्दी सुनाओ। रुद्रा बच गया। क्या रुद्रा? रुद्रा जिंदा है? कड़पत जी, तुम्हें अपनी तीसरी आंख खोलने का बड़ा शौक है ना? रुद्रा तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ देगा। क्या वो जिंदा है? हाँ, वो अभी भी जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? एक आदमी को मारने के लिए तुम अपनी पूरी फौज लेकर गए थे, फिर भी उसे मार नहीं सके, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो, वो अब भी सिटी हॉस्पिटल में है, और इस बार अगर तुमने उसे नहीं मारा तो हम सबको ऊपर भेज देगा, समझ गए? रुद्रा अभी भी जिंदा है और उसका सिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तुम लोग जाओ और उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दो। जाओ। रुद्रा किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए, वो इसी हॉस्पिटल में है। चलो, यहीं कहीं होगा। वार्ड नंबर 3 में। चलो। ढूंढो उसको, ढूंढो। वो इतना जख्मी है कि ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मुझे उसकी हर हाल में आज लाश चाहिए। भाऊ, ढूंढो उसको। ठीक है भाई, हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। चलो। हाँ,
नहीं उसे जमीन खाई और ना ही आसमान गणपत। अपने आदमियों को मारकर कोई फायदा नहीं। वो कमीना रुद्रा इसी शहर में है। अपने आदमियों से कहो कि उसे ढूंढे और जैसे वो नजर आए उसे खत्म कर दे। वो एक भूखे शेर की तरह हमें ढूंढ रहा है और अगर तुमने उसे नहीं मारा तो वो हम सबको मार डालेगा। आप बेफिक्र होकर घर जाइए। 3 दिन में या तो रुद्रा नहीं या फिर मैं। गुड, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। कुछ पता चला? रुद्रा हमारे लिए जीत की गारंटी है। पलकधारी और गणपत काना के आदमी उसे पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। सोना बहुत जख्मी था, कहीं मर तो नहीं गया? नहीं, उसके शरीर पर चाकू के इतने घाव हुए फिर भी नहीं मरा, वो बाद में क्या मरेगा। रुद्रा सिर्फ रुद्रा नहीं, पलकधारी का काल है। और काल जब किसी को निगलता है तो पहले सन्नाटा छा जाता है। मुझे लगता है अब वो सन्नाटा टूटने वाला है। गणपत भाई, रुद्र का पता चल चुका है। जिसने उसे देखा वो मेरे पास ही खड़ा है। उसके मुताबिक रुद्र पगली माँ के पास ही होगा। तुम अभी कहाँ से बोल रहे हो? सबेली घाटी। तुम वहीं ठहरो अभी। ठीक है भाई। आया भाई। हाँ भाई, रुद्र का पता चल चुका है, वो सबेली घाटी में है। तुम वहां जाओ, मुझे हर हाल में उसकी आज लाश चाहिए, समझे? जाओ। ठीक है भाई। अब मुझे रात का इंतजार करना होगा उसी ठिकाने पर पगली माँ के। जाओ, तुम उधर जाओ। भाव भाव वो रही पगली। इस पागल औरत ने हमें कई दिनों से पागल बना रखा है उस रुद्रा को ढूंढने के लिए। चल बता, रुद्रा कहाँ है?
बता रुद्रा कहाँ है? ऐसे नहीं बताएगी भाऊ, ऐसे नहीं बताएगी, बता बता दे रुद्रा कहाँ है? मर गई साली, चल तेरे पीछे पीछे उस रुद्रा को भी ऊपर भेजते हैं, चलो। पगली माँ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया माँ, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? अरे दुनिया तुझे पागल समझती रही और तूने मुझे माँ से भी ज्यादा प्यार दिया, अब किसकी गोद में सर रोक कर सोऊंगा मैं? आज से मैं सचमुच अनाथ हो गया माँ, सचमुच अनाथ हो गया माँ।
है रानी माँ? बहुत परेशान हो, किसी सोच में हो? बेटी आज बहुत डर लग रहा है, उन लोगों के हिसाब से आज 15वां दिन है। क्या रानी माँ, छोड़ो ये सब। हाँ, ये सारे कीदड़ धमकी है माँ। ये कीदड़ धमकी नहीं, शेर की दहाड़ है। चल, बहुत हो गया माँ बेटी का। छोड़ दे, वरना बहुत बुरा होगा। बुरा तो अब इसके साथ होगा। चल, तू ये मत समझ कि बंदूक की भाषा सिर्फ तू ही जानता है। इसका बाल भी बाका हुआ तो रुद्रा तुझे नहीं छोड़ेगा। रुद्रा इसका सचमुच का भाई है। सुना तुमने? रुद्रा इसका सचमुच का भाई है। अरे इसके भाई रुद्रा को भी देख लूंगा मैं। छोड़ो, छोड़ दो। सुना तुम लोगों ने? रुद्रा मेरा सचमुच का भाई है। मार डालेगा तुम लोगों को। विकी बाबू ने हर्षिता को जबरन घर से उठा लिया है और हर्षिता कोई और नहीं, रुद्रा की सचमुच की बहन है। किसी भी कीमत पर विकी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सच? आज तो सचमुच मुझे लॉटरी लग गई। विकी बाबा ने हर्षिता को नहीं उठाया, अपने और अपने बाप के अर्थी को उठाया है, क्योंकि रुद्रा आज दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब देखना पलकधारे, रमाकांत का खेल देखना। जितना बोलता उतना काम किया करो, समझ गए? मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार बाबूराव, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है ना? एक बहुत बुरी खबर है, गणपत काना रुद्रा के हाथों मारा गया है। क्या भक्त हो तुम? और विकी बाबा की जान को खतरा है, क्योंकि विकी बाबा ने हर्षिता को घर से जबरदस्ती उठवा लिया है और रुद्रा हर्षिता का भाई है। क्या रुद्रा हर्षिता का भाई है? डैम! मैं 2 दिनों के लिए हाई कमांड को मिलने शहर गया, चला गया। तुम लोगों ने यहां सब कुछ गड़बड़ कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया। अब विकी कहां है? कहां है विकी? हेलो पापा, पंडित जी ने मेरी और हर्षिता की शादी के लिए 5 बजे का मुहूर्त निकाला है। ये तुम्हारी शादी का मुहूर्त नहीं बल्कि तुम्हारी बर्बादी का मुहूर्त है बेवकूफ। तुम्हें और कोई लड़की नहीं मिली रुद्रा की बहन के अलावा इस दुनिया में। कहां से बोल रहे हो? पुराने गोदाम से। ठीक है, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचूं वहां से हिलना नहीं, समझ गए? जी पापा। हाँ, कर देंगे, तुम्हारा काम भी कर देंगे, ये हमारी जबान है, खाली नहीं जाएगी। हाँ, फोन रखो और तुम लोग नोट डाउन करो। नमस्कार, 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 नमस्कार। ऑपोजिशन लीडर और हमारे घर में? हाँ, आज मैं विपक्ष के नाते सत्ता पक्ष के घर में नहीं आया हूँ। फिर आज मैं विकी बाबू के जिंदगी के हिफाजत के वास्ते आया हूँ। रमाकांत, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं अपने बेटे की हिफाजत तुझ जैसे कमजोर आदमी से करवाऊं। कई शास्त्रों में लिखा है कि दुश्मन को कमजोर मत समझो। आज रुद्रा बाबू तुमसे बहुत ताकतवर है, मैं पालतू कबूतर की तरह उसे आपके झोले में डाल दूंगा। बस तुम्हें सिर्फ इतना करना है, है? आ गया। हाँ। आ गया तू अपनी औकात पर। हाँ। सौदा करना है। हाँ। बोल क्या चाहता है? कामाटी बाग का एरिया जहाँ से तुम हमेशा जीतते हो मेरे लिए छोड़ दो। क्या है कि तुम धोबीधोरा एरिया से भी जीत जाओगे, इस तरह तुम भी मंत्री बन जाओगे और लगे हाथ मैं भी। क्यों आखिर अपन बंदर बाट की तरह आपस में लड़ रहे हैं? तुम भी कमाओ, हमें भी कमाने दो। बड़ी कुत्ती चीज है तू रमाकांत, बड़ी कुत्ती चीज। जब 1000 कमीने मरे होंगे उस दिन एक कमीना पैदा हुआ होगा, वो है तू। जा दिया तुझे कमाटी एरिया, जा दिया। लेकिन उस रुद्रा के बच्चे को
जल्द से जल्द मेरे हवाले कर देना। समझ लो रुद्रा मिल गया, अब हम एक ही पक्ष में हो गए, कुछ खातिर वातिर का इंतजाम करो। हाँ हाँ बिल्कुल। सिराज तुम्हें तो हमारी पसंद भी मालूम है, जाओ हमारी फेवरेट बिस्की लेके आओ। जी जी। तो ये सिराज का बच्चा तेरा खबरी है? अच्छा, तभी मैं सोच रहा था कि मेरी खबर सबसे पहले तुझे कैसे पहुंच जाती है। क्या है पलकदारी, राजनीति में तो सभी हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। तू ये मत समझ मगन कि ये हथकंडे सिर्फ तू आजमा सकता है। एक छोटी सी चाल मैंने भी चली। डांगे ये तेरी पार्टी में तो है जरूर, लेकिन मोहरा मेरा है। डांगे तू भी? चल जाने दे रमाकांत, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। उस रुद्रा के बच्चे को मेरे बताए हुए पते पर जल्द से जल्द भेज, फिर देख मैं उसका क्या हशर करता हूं। रस्तों के जाओ और रुद्रा को। समझ गया। अगर समझ गए तो जल्दी जाओ अपना काम करो। चल रमाकांत, मैं तुझे तेरी फेवरेट विस्की पिलाता हूं। क्या बात कर रहा है? तुम यहाँ बैठ कर शराब पी रहे हो और तुम्हें चारों तरफ पुलिस ढूंढ रही है। तुम्हारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। बेटा रुद्रा। हा? रानी माँ, तुमने मुझे बेटा कहा? अरे अरे, ये शब्द सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे रानी माँ। बेटा, वो तुम्हारी बहन हर्षिता को वो विक्की उठाकर लेकर गया है। अब तू ही उसे बचा सकता है। कुछ नहीं होगा मेरी बहन को, कुछ नहीं होगा। बेटा, मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, पर मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे, कोई शिकायत नहीं है। भाई, अब हम दोनों भाई मिलकर हर्षिता को ढूंढेंगे। राहुल, बड़े भाई, मेरे भाई। रुद्रा, रमाकांत जी ने तुम्हें पुराने गोदाम पर बुलाया है। उन्हें मालूम है कि तुम्हारी बहन हर्षिता कहाँ है। जी नमस्कार, आप सभी लोग आ गए, अच्छा हुआ। मेरी बहन किधर है नेताजी, जल्दी बताओ मेरी बहन किधर है। अरे इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो, अभी बताते तुम्हारी बहन कहाँ है। अरे बताओ इन्हें इनकी बहन कहाँ है, बताओ बताओ। ये क्या कर रहा है? ये क्या है? ये धोखा है रमाकांत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कैसा लगता है ये बंद के सावन, कैसा लगता है? रमाकांत, तू धोखेबाज है, धोखेबाज है तू, दगाबाजी की है तूने। ना मैं धोखेबाज हूँ, ना मैं दगाबाज हूँ, भाई तो सौदेबाज हूँ। तेरे बदले में मैंने कमाटी बाग का एरिया ले लिया, अब तो तुम पलकधारी की अमानत हो। रमाकांत, कहाँ से आई, किसकी आवाज आई? हम आए हैं। अरे पलकधारी, आइए आइए, वक्त पर आ गए, ले लीजिए आपकी अमानत, आपको सौंप देते हैं। अच्छे लग रहे हो। हाँ? बाप रे, क्या बात है, बहुत ताकत है सीने में। हाँ, और इसी ताकत को पेट्रोल बनाकर तुमने बहुत लोगों को जलाया, लेकिन अंजाम क्या हुआ? उसी आग के लपेटे में तुम खुद आ गए। छोड़ दे कमीने, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मारा मारी करना तुम लोगों का काम नहीं है, बल्कि जो मार खाए हुए हैं उन लोगों को मरहम लगाने का काम है, समझ गए? छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़। नमस्कार करते हैं समदन जी, नमस्कार करते हैं। अच्छा हुआ आप भी यहाँ मौजूद हैं, बल्कि पूरा
पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है। आखिर तुम्हारी बेटी की शादी जो है आज। नहीं पलकधारी, ये नहीं हो सकता। ये होगा समधन जी। नहीं। जरा नजर उठाकर तो देखिए। नहीं। भैया, भैया मुझे बचाओ। चुप। तेरा भैया तुझे क्या बचाएगा? वो तो खुद फंसा हुआ है। चल, चल। अपना बना के विश्वासघात किया है रमाकांत। अपना? अरे राजनीति में अपना पराया कोई नहीं होता। राजनीति में अपना सिर्फ स्वार्थ होता है। तुझ जैसे गुंडों को हम अपने मतलब के लिए पैदा करते हैं और अपना मतलब निकल गया तो ऊपर भेज देते हैं। ए पलक धारी, ये तुम्हारी अमानत है, इसलिए खामोश बैठा हूँ। अब तुम ही देख लो इसे। हाँ हाँ रमाकांत, देख लूंगा, इतनी जल्दी भी क्या है। अभी तो मुझे इस कमीने से इसकी प्यारी सी बहना का कन्या दान जो करवाना है। पंडित, जल्दी से 2 मिनट में 7 फेरे लगवा दो, वरना 1 मिनट में मैं तुम्हारे 14 फेरे लगवा दूंगा। इति सिद्धि दाता गणपति महाराज की जय। सूर्य स्वाहा वरुणा स्वाहा ओम वक्रतुंड महाकाय सुर कोटि समं प्रवह निविघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विष्णुदेवाय स्वाहा, ओम श्री अग्निदेवाय स्वाहा, ओम श्री वरुणाय स्वाहा, ओम श्री चंद्रदेवाय स्वाहा। एक मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट। स्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि डॉक्टर लोग मारा मारी नहीं करते, बल्कि मार खाए हुए लोगों को ठीक करते हैं, है ना? अब अपने आप को ठीक कर लो। कहा था ना रमाकांत, केस का मुहूर्त किसी खास आदमी पर करना और उससे पूछना कि इसका टेस्ट कैसा है। तो बता इसका टेस्ट कैसा है कुत्ते, बता कैसा है कुत्ते। पलकधारी, अरे आप मेरी होने वाली बहू को कहाँ ले जा रही हैं? आखिर समधी जो बनने वाला हूँ मैं तुम्हारा। तू समधी बनेगा? मुझे मारेगी? विकी, विकी मेरे बेटे। विकी, विकी मेरे
मेरे बच्चे, ये क्या हो गया तुझे, ये क्या हो गया? पापा मैं मरना नहीं चाहता। हाँ, पापा मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। विकी, नहीं विकी, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। विकी, विकी जब मेरी औलाद इस दुनिया में नहीं रही तो इस दुनिया में मैं किसी को जीने नहीं दूंगा, किसी को जीने नहीं दूंगा। हा? नहीं पलटधारी, नहीं 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 रुद्रा, मैंने अपने लाडले बेटे विकी को इन हाथों में मरता देखा है, मेरे सर पर खून सवार है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अरे मैं तो सोचा था कि जब मैं मरूंगा मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं अनाथ हूं ना, सौतेला बेटा हूं ना तुम्हारा। नहीं रुद्रा, तू सौतेला नहीं, मेरा अपना बेटा है, अपना। तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई। रानी माँ, मैं थक गया हूँ, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। ऐसा मत कहो भैया, अपने भाई के हाथ पे एक बार राखी तो बांध दे। तूने मेरा बहुत बहुत ख्याल रखा है, इस जन्म में तुम्हें तुझे मिल नहीं सका, लेकिन अगले जन्म में जरूर मिलूंगा। रानी माँ, इसका ख्याल रखना।